नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे की मेजबानी ड्राइविंग सीट लालू पर। मुंबई बैठक के किस और मोड़ इंडिया गठबंधन की गाड़ी चलेगी, या आगे बात करते हैं। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में चली दो दिन लंबी मैराथन मीटिंग के मेजबान तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे थे, लेकिन ड्राइविंग सीट पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव नजर आए। मुंबई बैठक से विपक्षी गठबंधन की गाड़ी किस ओर बढ़ेगी, इसका निर्णय कौन करेगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में मुंबई में बैठक हुई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठक के मेजबान थे, लेकिन इस बार ड्राइविंग सीट पर लालू यादव नजर आए। पटना में हुई पहली बैठक में नीतीश कुमार और बेंगलुरु के दूसरी बैठक में मेजबान कांग्रेस अगुवा के रूप में नजर आई थी। मुंबई की बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं से लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गौर करें तो विपक्षी गठबंधन की लाइन कमोबेश वही नजर आई जो लालू कुछ दिन पहले से ही बता रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संयोजक की। लालू यादव ने बिहार के गोपालगंज जिले के अपने पैतृक गांव में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के सवाल पर कहा था कि एक नहीं अनेक संयोजक बनाए जाएंगे। मुंबई की बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के 14 सदस्यों के नाम आए। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने भी साफ कहा कि गठबंधन को अभी संयोजन की जरूरत नहीं है। ये बयान संकेत है कि गठबंधन अब अनेक संयोजक वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ गया है। गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ही होगी। 14 सदस्यों वाली इस कमेटी में जेडीयू से ललन सिंह और तेजस्वी यादव भी, मतलब ये कि आरजेडी और जेडीयू के बीच बात बराबरी की है। बैठक के बाद राहुल गांधी से अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में कहा था, आप दूल्हा बनिए, हम सब लोग बराती बनने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से जोड़ दिया था। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी लालू के इस बयान की छाप नजर आ रही है। 14 सदस्यों की लिस्ट में सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम है। वेणुगोपाल के बाद दूसरे नंबर पर शरद पवार का नंबर आता है। ये इस बात का संकेत तो नहीं कि कांग्रेस ही विपक्षी गठबंधन की अगुआ होगी। लालू यादव ने बिहार से मुंबई के लिए रवाना होते समय साफ कर दिया था कि हमलों के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। वह भी ऐसे समय पर जब विपक्षी गठबंधन की रणनीति को लेकर खबरें आई थी कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की जगह जनता से जुड़ी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। विपक्षी बैठक के बाद लालू यादव से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी निशाने पर पीएम मोदी रहे। मुद्दों की बैठक के बीच लालू यादव का एक ट्वीट आया। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि अपने अपने ईगो को भुला जाना है। इंडिया के मायने है कि हम सभी देश की रक्षा के लिए एकजुट हो और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई हटाएं। हमारा फर्ज है कि देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ मिलकर लड़ें। मुंबई की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की गाड़ी लालू के हाथ है। लालू यादव ने 3-4 राज्यों के लिए एक कमेटी बनाने की बात की थी। अब हर एक राज्य के लिए राज्य स्तर पर कमेटी बनाने की बात चल रही है। एक नहीं अनेक संयोजक बनाने की बात लालू ने कही थी। अब लगता है कि संयोजन की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ही निभाएगी, जिसमें 14 सदस्य होंगे। लालू ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात की और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के संबोधन पर भी इसकी छाप साफ नजर आई। मुंबई बैठक के बाद एक तरह से ये साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन की रणनीति प्रधानमंत्री को निशाने पर रखने के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को धार देने की होगी। दोस्तों, इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।